पोको 30,000 रुपीज में पोको F5 5G को लॉन्च कर दिया है, 8GB 256GB वेरिएंट। देखिए बहुत सारे भाई लोग ये फोन खरीदेगा 30,000 रुपीज में। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर इसका इतना ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट बता दिया है, बहुत सारे लोग खरीदेगा। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मेजर पॉइंट बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप भी ये फोन खरीदने के लिए दो बार सोचोगे। ऐसा मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ट्विटर में जाके आप लोग सर्च करना पोको प्रॉब्लम, बस यही टाइटल सर्च करना, आपके सामने इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा पोको ब्रांड के बारे में, आप हैरान रह जाओगे। आज इस वीडियो में इसी सब कुछ के बारे में बात करूंगा, क्यों आप लोगों को पोको F5 5G नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उसके पहले इस फोन का कुछ हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 चिपसेट दिया है, काफी पावरफुल चिपसेट है, 8 Gen के आसपास आप लोगों को परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। 6.67 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया है, 8GB 256GB वेरिएंट है, 5000mAh का बैटरी मिलता है, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का थर्ड सेंसर, 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। ये तो कुछ फीचर्स हो गया। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पोको ब्रांड के ऊपर जो सब कुछ एलिगेशंस लगा है। देखिए एक फोन के बारे में नहीं, पोको का बहुत सारे फोन के बारे में बुराई है। ट्विटर में अगर आप यही जो मैं आप लोगों को टाइटल दिया हूं पोको प्रॉब्लम यही सर्च करोगे, बहुत कुछ आप प्रॉब्लम निकाल के आएगा। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। कुछ दिन पहले पोको F3 GT लॉन्च हुआ था, एक अपडेट आया है, उसके बाद पोको F3 GT का जो मदरबोर्ड है वो टोटली उड़ गया है। अभी जो कस्टमर है, जो यूजर है, देखिए ये जो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक यूजर के साथ नहीं, बहुत सारे यूजर के साथ हुआ है। ये फोन लेकर बहुत सारे यूजर पोको के सर्विस सेंटर गया है, मी के सर्विस सेंटर, वहां पे क्लियरली बता दिया है कि आपका जो मदरबोर्ड है वो डैमेज हो गया है और इसको चेंज करने में लगभग 10-12 हजार रुपीज लगेगा, जबकि ये वारंटी के अंदर था, फिर भी इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है। और ये गलती यूजर का नहीं है, ये गलती ब्रांड का है, क्योंकि अपडेट के बाद ही ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो मुझे लगता है ये फ्री में सर्विस देना चाहिए था, ऊपर से पोको चार्ज कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। और एक फोन के साथ नहीं, पोको F3 GT बहुत सारे फोन के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। अभी और एक प्रॉब्लम है पोको X3 के बारे में, इसके भी फोन में एक अपडेट आया, उसके बाद इस फोन का भी मदरबोर्ड उड़ गया है। और ये एक फोन के साथ नहीं, बहुत सारे यूजर के साथ ऐसा हुआ है। जब उन्होंने सर्विस सेंटर लेकर गया, वहां पे बता दिया है टोटली 9,591 रुपीज चार्जेस लगेगा, जबकि वो वारंटी के अंदर था। कई सारे यूजर जब उसके फोन में कैमरा ओपन करने जाता है तो टोटली कैमरा ओपन ही नहीं होता है। और भी बहुत सारे फोन है, बहुत सारे इंडियन लोग ग्लोबल वेरिएंट को खरीदता है। या पोको X2 के बारे में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए रियर कैमरा और ये जो बुके कैमरा है टोटली फेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम है पोको के साथ। अगर आप ट्विटर में जाके सर्च करोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा। मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरे सामने एक कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया है। तो अगर आप लोग पोको के कोई भी फोन खरीदने के लिए जा रहे हो, थोड़ा सा सोच समझ कर खरीदना। ये जो पोको F5 5G है, हालांकि काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है, ये मैं खुद मानता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम यूजर के साथ होगा तो कौन से भरोसे में आप खरीदोगे। अगर ये फोन खरीद लिए और अपडेट के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आया और सर्विस सेंटर जाने के बाद वो लोग हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको पैसा देकर इसको रिपेयर करना पड़ेगा, तब आपका एल लग जाएगा ना। एक तो आप 30,000 रुपीज दे रहे हो, ऊपर से कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपसे चार्ज लिया जाएगा, ये गलत बात है। यही प्रॉब्लम बहुत सारे ओप्पो वीवो या सैमसंग यूजर के साथ हुआ था, तो उन लोगों को फ्री सर्विस दिया गया था। हालांकि मेरे साथ हुआ था, मैं सैमसंग गैलेक्सी M52 खरीदा था, उसका स्पीकर डैमेज हो गया था, तो मैं सर्विस सेंटर लेकर गया था, फ्री सर्विस मुझे दिया था, स्पीकर को रिप्लेस करके दिया था, ये मेरे को काफी अच्छा लगा। तो ये जो सारे बड़े बड़े ब्रांड होता है फ्री सर्विस देता है। अभी ना बहुत सारे यूजर फोन खरीदने से पहले देखता है कि आफ्टर सेल सर्विस है कि नहीं, जिस ब्रांड के साथ जा रहे हो उसका आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया है तो उसी ब्रांड के साथ जाओ। तो ये जो प्रॉब्लम देखने के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों को पोको के फोन अभी के टाइम में खरीदना चाहिए। अगर पोको फीडबैक लेता है और इसके ऊपर काम करता है, ये सब कुछ फिक्स करता है,
6-7 महीने के बाद देखा जाए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप पोको के फोन खरीद सकते हो। और यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये जो सारे लोगों ने यूजर ने आवाज उठाया है ट्विटर में या बहुत सारे सोशल मीडिया में, पोको वो सारे यूजर को टोटली बैंड कर दिया है, ये गलत बात है। एक तो आप लोग रिप्लाई नहीं सुन रहे हो कस्टमर का, ऊपर से कस्टमर को बैन कर रहे हो, एक गलत बात है। बाकी आपका मर्जी, पैसा आपका, खरीद आप सकते हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को सजेस्ट करना, आप लोगों को सही दिशा दिखाना। अभी आप डिसाइड कीजिए कि आप पोको A5 5G खरीदोगे कि नहीं। और ऐसे भी मैं पोको का बुराई नहीं कर रहा हूँ, पोको कभी भी मुझे फोन नहीं बेचता है, पोको क्यों, कोई भी ब्रांड मुझे फोन नहीं बेचता है, जो सब कुछ बताता हूँ ऑनेस्टली बताता हूँ। यहाँ पे और एक चीज बता दूं, पोको F5 5G फास्ट सेल में खरीद के मैं अनबॉक्सिंग रिव्यू डालूंगा, फिर भी मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर बता दिया कि ये प्रॉब्लम है पोको ब्रांड के साथ। लेकिन पोको का ये जो फोन है पर्टिकुलर, इस फोन का मैं रिव्यू करूंगा, देखूंगा फोन कैसा है, ये मैं ऑब्वियसली करूंगा, तो बहुत जल्द अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह आएगा जो ऑनेस्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं खरीद के रिव्यू कर रहा हूँ। ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक लाइक नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, लाइक जल्दी दबा दो। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।